फ्रेंड्स भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेंज को डायवर्सिफाई कर रहा है ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है साथियों 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40 परसेंट नॉन फोसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया पेट्रोल में 10 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने पांच महीना पहले ही हासिल कर लिया 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 25, 26 तक पूरा करने का निर्धारित किया वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेज इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा हमारी सरकार जिस तरह बायो पर जोर दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है अभी हाल ही में मैंने ई ट्वेंटी फ्यूल को भी लॉन्च किया है हमारे देश में एग्रीवेस्ट की कमी नहीं है ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए भारत में सोलर विंड बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है